ये काला जो नियम बना है इसमें ये बाध्यता को, काला नियम है, हाँ काला नियम है, ये काला नियम है। 17 वर्षों से हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं और अब तक उसको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला, कितनी दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों के लिए नई नियमावली लाई गई थी, उस नियमावली के विरोध में जो नियोजित शिक्षक है आज वो सड़कों पर उतरे। और देखिए अब डीएम कार्यालय भी जो शिक्षक है वो पहुँच गए। देखिए आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि जो भी नियोजित शिक्षक थे जो सड़कों पर उतरे थे अब डीएम कार्यालय पहुंच गए। डीएम कार्यालय आप लोग क्यों पहुंच गए ये बताइए। हम लोग शिक्षकों की मांग है, शिक्षकों ने नई नियमावली बनाई है और जिसमें बीपीएससी परीक्षा का उन्होंने कर दिया है कि आपको देना होगा तब राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन इसमें पुराने जो 17 वर्षों से हमारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जो दक्षता परीक्षा टेट परीक्षा दे कर आए हैं, वो शिक्षक को भी देने के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया है। ये काला जो नियम बना है इसमें ये बाध्यता को, काला नियम है, हाँ काला नियम है, ये काला नियम है। 17 वर्षों से हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं और अब तक उसको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और क्वालिटी वाले शिक्षक मेरे पास हैं, सब परीक्षा उत्तीर्ण करके आए, कितनी बार परीक्षा लीजिएगा। क्या विधायक और मंत्री परीक्षा दे के मंत्री बनते हैं है? उनका कोई टेस्ट है कि आप पास कीजिएगा और आपको मंत्री बनाएंगे हम? उनका कोई योग्यता नहीं। और सारा प्रयोग इनका शिक्षकों के ऊपर है, ये बहुत ही सब प्रयोग शिक्षक ऊपर सारा काम लेते हैं, इनकी जाति गणना है, सारी बातें हैं, सब कुछ लोग। आप बताइए कि आप लोग डीएम कार्यालय पहुंच गए। डीएम साहब के माध्यम से हम लोग सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि यह जो नियमावली बनी है उसमें हमारा कहीं स्थान ही नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। तो हम 15 साल सेवा दे के बेवकूफ बनने के लिए, हाँ हम बिहार में, जब बिहार में की हालत वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी तब हमसे काम लिया गया और आज जब देने की बारी आई तो आप जो है इसमें छांट के हटा दिए, ये कौन सा तरीका है? आप बताइए सर कि वो आप लोग डीएम कार्यालय पहुंच गए, ये बताइए। नियोजित शिक्षकों को मजदूर की तरह सरकार नाप माप रही है, नियोजित शिक्षकों को किसी भी तरह के कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। तरह तरह के समय समय पर सरकार नई प्रकार की नियमावली बनाती है जो नियोजित मजदूर बना दिया गया है। आप बताइए। हाँ सर, देखिए सरकार का जो रवैया है शिक्षकों, विरोध कर रहे हैं नियमावली का आप लोग? हाँ, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोग सर भेदभाव है, हम लोग एक्सपीरियंस को शून्य माना जा रहा है, ये गलत चीज़ है और बार बार हम लोग को साबित किया जाता है। हम लोग परीक्षा देकर के ही नौकरी में आए थे। फिर बताइए सर, हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आखिर 16 साल से उन्हीं के द्वारा बहाल किया गया शिक्षक यहाँ कार्य कर रहे थे, क्या हुआ? बच्चे को पढ़ा नहीं रहे थे? 16 साल से हमारे राज्य के भविष्य को बर्बाद करने में हम थे क्या? कि आज हमारी परीक्षा की जरूरत पड़ी? अगर सरकार यही माननीय मुख्यमंत्री ने बहाल किए थे उस समय इनको सद्बुद्धि नहीं आई थी क्या जो आज सद्बुद्धि आई? हम तो डेली परीक्षा देते हैं, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हम समाज को पढ़ाते हैं, तमाम तरह का बोझ हम पर लादा गया और हमारे साथ भेदभाव, समान कर समान वेतन के बदल फिर वही नियोजित वेतन मान, क्या यही राजकर्मी का दर्जा है? आप परीक्षा लीजिए, बहाली कीजिए, आपको माना नहीं कर रहे, परंतु ये उस समय क्यों नहीं सद्बुद्धि आई कि आप भी नाराज है सरकार से? आप नाराज इसलिए हैं कि हम 16 साल से कम पैसा में काम कर रहे थे, हम राज्य के विकास में भागीदारी निभाए, जब मौका आया तो मुझे बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ जो नियोजित शिक्षक थे, आपको बता दें कि आज ये लोग सड़कों पर उतरे थे और डीएम कार्यालय पहुंच गए थे। इनका साफ साफ कहना है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को मजदूर बनाकर रख दिया है, सभी काम हम लोगों से लिया जाता है, 16 सालों से हम लोग सेवा में हैं, सरकार जब उस टाइम हम लोगों को बहाल किया तो सरकार को उस टाइम बुद्धि नहीं था और कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो नई नियमावली लाई गई है शिक्षकों के लिए उस नियमावली का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ इनका कहना था अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।